नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, रोग प्रतिरोधित बीज बांटेगी सरकार। ड्रोन से 40 रुपए प्रति एकड़ होगा छिड़काव, बचेगा समय और लागत। हरे और काले चने को MSP पर खरीदेगी सरकार। हरियाणा में जल्द शुरू होगी खरीद। तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, 12 सितंबर तक करें आवेदन। समाचार विस्तार से। पंजाब के किसानों की गन्ने की फसल अब खराब नहीं होगी। प्रदेश सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए टिकाऊ और रोग प्रतिरोधित बीज बांटेगी। दरअसल प्रदेश के अधिकतम गन्ना उत्पादक किसान CO 238 किस्म लगाते हैं। इसमें पोका बोइंग बीमारी का प्रकोप होता है जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है, इसलिए सरकार 4 नई रोग प्रतिरोधित किस्म के बीज किसानों को बांटेगी। आपको बता दें पंजाब के करीब 70% किसान गन्ने की खेती करते हैं। खेती में ड्रोन का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है। किसान ड्रोन से छिड़काव को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके चलते तमिलनाडु स्थित एक कंपनी ने अपने एग्री ड्रोन से छिड़काव के शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। कंपनी ड्रोन से छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 400 रुपए लेगी। ड्रोन से छिड़काव करने पर 20 मिनट में एक एकड़ क्षेत्र कवर हो जाता है। वहीं एक एकड़ क्षेत्र में केवल 20 लीटर पानी ही लगता है, जबकि हाथ से छिड़काव करने वाली मशीन में 400 से 500 लीटर पानी लग जाता है। मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्र सरकार कर्नाटक के किसानों से हरे और काले चने की खरीद करने जा रही है। इसके लिए किसानों को अगले 45 दिन के अंदर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के 90 दिन में खरीद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार राज्य के किसानों से अधिकतम 30,000 मीट्रिक टन हरा और 10,000 मीट्रिक टन काला चना खरीदेगी। प्रत्येक किसान से केवल 6 क्विंटल चना ही खरीदा जाएगा। किसान योजना में पंजीयन कराने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में 25 सितंबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी। सबसे पहले धान की खरीद शुरू होगी, फिर 1 अक्टूबर के बाद से मक्का, बाजरा, मूंग आदि की खरीद भी शुरू हो जाएगी जो 15 नवंबर तक चलेगी। सरकार ने खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को मंडियों के शेड, सड़कें, पैकेजिंग बैग, तुलाई मशीन आदि की उचित व्यवस्था करने के आदेश भी दे दिए हैं। बिहार सरकार यास तूफान के चलते फसलों को हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है। प्रदेश के 16 जिले के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टर 13,500 तथा असिंचित फसल के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टर मुआवजा मिलेगा। वहीं गन्ने के लिए 18,000 प्रति हेक्टर मुआवजा दिया जाएगा। 12 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई के समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।